कैसे हो मेरे भाई लोगों। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों टिकटॉक पर एक नेम आर्ट वीडियो बहुत ही अच्छी तरीका से वायरल हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में। तो दोस्तों आपको वीडियो को जरा भी स्केप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो का टिकटॉक पर ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। हाँ तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनाना है ये वाला वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का यूज़ करूंगा। उस एप्लीकेशन का काइन मास्टर, उस नेम है काइन मास्टर। और दोस्तों उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही में एक PNG और एक वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सिंपली प्लस पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों यहाँ से जो फर्स्ट वाला रेशियो है 16:9, आपको इस वाले फ्रेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ सेकंड में फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, तो दोस्तों आप उस वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसी वीडियो को लेके आना है जो आपने लिंक से डाउनलोड किया है। उसको लाने के लिए सिंपली आपके राइट साइड के कॉर्नर पर जो मीडिया का ऑप्शन है, आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने उस वीडियो को जहां भी डाउनलोड किया हो आप उस वीडियो को वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से शो होगी ये वाली। तो दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल कर कर एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है अपना नेम लगाना है। तो नेम लिखने के लिए सिंपली आपके राइट साइड के कॉर्नर पर जो लेयर का ऑप्शन है, आपको लेयर पर क्लिक करना है। और जैसे ही लेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे से दूसरे नंबर पर टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको टेक्स्ट में चले जाना है। और दोस्तों जो भी आपका फर्स्ट नेम हो आप उसको यहाँ से टाइप कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे नाम से मैंने फर्स्ट अपना कैपिटल जो है मैंने उसको यहाँ से ले लिया है। तो आपको कुछ ऐसे अपने नेम को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको अपने नेम को कुछ मेरी तरह इसे बीच में एडजस्ट कर लेना है। और दोस्तों इसके येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर इसको लास्ट तक एकदम बड़ा कर लीजिए इस नेम वाली वीडियो को। अब आपको सिंपली यहाँ से इसको राइट कर देना है और दोस्तों स्टार्टिंग में आ जाना है। अब दोस्तों हमको इसका पहले टेक्स्ट चेंज कर लेना है। तो दोस्तों फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपको अपने ये नीचे येलो वाला नेम वाला है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके राइट साइड में एक डबल ए का ऑप्शन आएगा, तो आपको ए में चले जाना है। ए में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। और दोस्तों साथ ही में अगर आपको नए फॉन्ट डाउनलोड करने हो तो अपना इंटरनेट ऑन करने का इस बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए, तो दोस्तों आपको न्यू फॉन्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं डिस्प्ले में जाकर ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखने में ये थोड़ा सा यूनिक है, तो आप इसी को यूज़ करना, फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों आपको इस बॉक्स पर जाकर अपने नेट को ऑन कर लेना है। अब दोस्तों हमको इसके अंदर अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसके अंदर अपना आपको रेड कलर करना है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना रेड कलर कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको यहाँ से इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों आपको जो भी और कुछ लिखना हो तो आप इसके नीचे कुछ और भी लिख सकते हो। तो मैं दोस्तों इसके नीचे आई लव यू लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो दोस्तों मैं आई लव यू इसके नीचे लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके अपने नेम के नीचे इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है फिर। तो दोस्तों आपको इस वाले ये जो आई लव यू है इसका भी फॉन्ट चेंज करना है, तो डबल ए में जाकर आप कोई भी फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कर्सिंग वाला राइटिंग में जो है मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों तो दोस्तों आई लव यू के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना रेड कलर चूज करके इसको भी रेड कलर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये आई लव यू वाले ऑप्शन को भी जो है ना आपको स्क्रॉल कर कर एकदम लास्ट तक बड़ा कर लेना है। अब आपको सिंपली यहाँ से राइट कर कर दोस्तों इस वीडियो को पहले अपनी मेमोरी में एक्सपेक्ट रेशियो में जाकर इसको आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों आपका जो भी यहाँ से यूज हो आप वो वाला यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और दोस्तों आपको फिर जब तक हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, एक बार सिंपली बैक कर लेना है, फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है। आपको फिर से बीच वाले प्लस पर क्लिक करके फर्स्ट वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपका ये फ्रेम ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले मीडिया के ऑप्शन में जाकर यहाँ से ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। बैकग्राउंड को चूज करने के बाद आपको सिंपली इस वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कर इसको जो वीडियो है उसके बराबर इसको बड़ा कर लेना है। अब आपको सिंपली यहाँ से इसको राइट कर एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। अब दोस्तों हमको वही वीडियो लेके आनी है जो आपने अपने नेम की जो सेव कर ली है। तो उसको लाने के लिए आपके राइट साइड में जो लेयर वाला ऑप्शन है, लेयर पर जाकर फर्स्ट वाले मीडिया में चले जाना है। और दोस्तों आपने उस वीडियो को जहाँ भी सेव किया हो आप उस वीडियो को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
दोस्तों आपको इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है, वरना दोस्तों सीजर के बराबर वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इस वाइट वाले पर क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। अब आपको यहाँ से इसको राइट कर देना है और दोस्तों हमको इसके अंदर और थोड़ा चेंजिंग करना है, तो उसके लिए पहले हमको क्रोमा की में जाकर इसका रेड कलर चेंज करना है। तो आपको अपनी जो नेम वाली वीडियो पर एक बार क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्रोमा की, तो आपको क्रोमा की में जाकर यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ से रेड कलर हट गया है। तो दोस्तों मैंने आपको एक कलर की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों उस वीडियो के लाने के लिए जो आपके राइट साइड में लेयर वाला ऑप्शन है, आपको लेयर पर क्लिक कर फिर से फर्स्ट वाले मीडिया में चले जाना है। तो दोस्तों आपने उस वीडियो को जहाँ भी डाउनलोड किया हो आपको ये वाली वीडियो वहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों आपको भी इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है वीडियो को, जैसे मैंने किया है, और फिर आपको यहाँ से इसको राइट कर अपनी इसी वीडियो पर क्लिक करना है जो कलर वाली है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा, तो आपको थ्री डॉट में जाकर यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ से राइट कर अपनी वीडियो को एक बार प्ले कर देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा नेम बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों जब आपकी वीडियो बनकर पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ से ये मेरा नेम खत्म हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा फालतू का बैकग्राउंड है तो उसको कट करने के लिए आपको अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते तो आपके राइट साइड में एक सीजर का ऑप्शन आएगा, तो आपको सीजर में जाकर यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड जो सेकेंड वाला है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका ऑटोमेटिक आगे का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका थोड़ा बहुत कलर और डार्क करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका कलर वाला जो वीडियो हमने बाद में लिया है सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपका एडजस्टमेंट में चले जाना है। तो इधर वाले जो दोनों हैं दोस्तों आपको दोनों फुल कर देने हैं, तो आपको थोड़ा सा दोस्तों इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ से राइट कर आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा नेम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जब आपकी वीडियो बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपके राइट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से शेयर में जाकर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी मेमोरी में। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में। अब